तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक न्यू सोशल ट्रेंडिंग इमेज को जनरेट करने के लिए बताने वाला हूँ जो काफी ज्यादा सोशल पर ट्रेंड भी होने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इसे आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। देन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ से मैं गूगल को ओपन कर लूंगा, यहाँ चाहे गूगल हो या फिर क्रोम, सिंपल से आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना और देन यहाँ पर आपको सर्च कर देना है विंग AI। जैसे सर्च करिएगा फर्स्ट वाले वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, सिंपल सोर्स पर आपको क्लिक करके यहाँ पर फर्स्ट वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट को ऐड करूंगा, सिंपल सोर्स टेक्स्ट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से सिंपल सा कॉपी करके यूज कर सकते हो। अगर दोस्तों इसका आप अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाए तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को आप जाके वॉच कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा आपको टेक्स्ट को ऐड कर देना है, अब देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट को ऐड किया। अब दोस्तों सिंपल से यहाँ पर अपना नाम को यहाँ पर ऐड कर देना है, आपका जो भी नाम हो। तो चलिए मैं यहाँ पर किसी एक लड़के का नाम यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, चलिए मेरा ही नाम यहाँ पर ऐड कर दिया। अब दोस्तों ऐड करने के बाद ये जो मैं इमेज जनरेट कर रहा हूँ दोस्तों ये है बॉयज के लिए, यहाँ पर मैं आपको गर्ल्स के लिए भी इमेज को जनरेट करने के लिए बताऊंगा। अब सिंपल से दोस्तों क्रिएट पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर कुछ देर आपको वेट करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको 4 फ्रेम में इमेज को जनरेट करके देगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये देख सकते हैं इमेज जनरेट होकर आ चुका है। अब दोस्तों सिंपल सा जो भी इमेज आपको पसंद पड़े, अब चलिए मानिए मुझे ये इमेज अच्छा लग रहा था, सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं 3 डॉट लाइन शो करेगा, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों अगर फिर भी आपको इमेज अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बता देता हूँ कि उसे कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं फिर से। सिंपल सा दोस्तों आपको सबसे पहले इस तरह से स्क्रॉल करके देख लेना है, अगर आपको इमेज अच्छा नहीं लग रहा है तो दोस्तों फिर से यहाँ पर कुछ अपना नाम चेंज कर लेना है, और नहीं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पर अपना चेंज कर सकते हैं और फिर से क्लियर पर आप क्लिक करिएगा, यहाँ से फिर से इमेज जनरेट होकर आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ गर्ल्स के लिए, यहाँ पर ही देख सकते हैं मैं अब गर्ल्स के लिए इमेज को जनरेट करने के लिए बताने वाला हूँ। बॉयज़ के लिए तो ऑलरेडी हो चुका है, अब गर्ल्स के लिए जो है दोस्तों यहाँ पर ही आपको गर्ल्स कर लेना है। गर्ल्स करने के बाद दोस्तों फिर से आपको नीचे की और करना है और यहाँ पर अगर चाहते हैं कि मुझे रेड हॉलिंग नहीं चाहिए तो यहाँ पर सिंपल से आपको रेड की जगह यहाँ पर इसे मैं ब्लू दे देता हूँ, ब्लू कर दिया, यहाँ पर भी मैं कुछ चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर अगर चाहते हैं कि व्हाट्सएप, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, यहाँ पर कुछ और ऐप का नाम ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर आके कॉमा देके आप नाम को ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अब देख सकते हैं यहाँ नाम ऐड करना है, तो चलिए मैं यहाँ पर गर्ल्स का नाम ऐड कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने गर्ल्स का एक नाम मैं ऐड कर दिया हूँ। अब ऐड करने के बाद दोस्तों अब सिंपल से आपको यहाँ पर क्रिएट वाले पर क्लिक कर देना है, तो फिर से यहाँ पर आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा और यहाँ पर फिर से आपको 4 फ्रेम में इमेज को जनरेट करके देगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये देख सकते हैं 4 फ्रेम में इमेज जनरेट होके आ चुका है। अब दोस्तों इसे डाउनलोड कैसे करना है, सिंपल सा तरीका, अब देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने व्हाइट किया था यहाँ पर इंस्टाग्राम का किसी भी प्रकार का लोगो नहीं शो कर रहा है, यहाँ पर कलर नहीं आ रहा है। अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो यहाँ पर व्हाइट की जगह आप रेड कर दीजिए, ब्लू की जगह आप यहाँ पर रेड भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर फिर से आपको जनरेट करने के लिए बता देता हूँ, तो यहाँ पर आपको रेड कर देना है। रेड करने के बाद दोस्तों क्रिएट पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सिंपल सा है, फिर से आ चुका है इमेज जनरेट होकर आ चुका है। अब इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद 3 डॉट लाइन शो करेगा, इस पर आपको क्लिक करके सिंपल से यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिएगा। अब ये आपके गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके साइड में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक।